अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन है जी, आपको स्लाइड नजर आ रही है? जी नजर आ रही है। सही है जी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा सेशन है ये बेसिकली नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ आवर इंटरेस्ट और विच इज बेसिकली दैट एंटरप्रेन्योरियल मॉडल विच वी डिस्कस यस्टरडे। कल हमने जो कल का हमारा सेशन था उसके अंदर हमने दो जो मॉडल्स हैं रिगार्डिंग स्टार्टिंग अ बिजनेस उन्हें डिटेल में डिस्कस किए, जिसमें हमने एक तो जो मैनेजमेंट मॉडल है, मैनेजेरियल मॉडल, इसको हम कॉजेशन कहते हैं, ए कॉजल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गोल है और दैट इज अ बिजनेस प्लानिंग बेस्ड मॉडल, और जिसके अंदर हासिल करने की कोशिश करते हैं और फिर रिसोर्सेज की एग्जीक्यूशन के लिए बिजनेस प्लान बनाते हैं। और इसके मुकाबले में दूसरा जो मॉडल है वो हमने एंटरप्रेन्योरियल मॉडल डिस्कस किया, जो विच इज बेस्ड ऑन द ह्यूरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब है तजुर्बा, यानी वो मॉडल जो कि कामयाब और जो तजुर्बेकार जो बिजनेसमैन है उनके तजुर्बा से जो चीज़ हमने सीखी है, ह्यूरिस्टिक्स तजुर्बा। तो वो जो एंटरप्रेन्योरियल मॉडल है वो बेस करता है कामयाब और सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तजुर्बात के ऊपर, जिसको हम इफेक्चुएशन कहते हैं या इफेक्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो क्योंकि दोनों मॉडल अपनी जगह उनकी एक यूटिलाइजेशन है, हम ये नहीं कहते कि मैनेजमेंट मॉडल जो है या कॉजल मॉडल जो है बिल्कुल वो एक यानी उसकी अपनी यूटिलाइजेशन है, अपनी जगह है, अपनी उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है या हमारा जो आप कह रहे हैं कि जो हमारा मेन प्रॉब्लम वो जो हमारे जेर मौजू है या जो हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है बिजनेस का शुरू का, ठीक। और उसके अंदर एक बिजनेसमैन या जो एक बिजनेस शुरू कर रहा है उसका नॉविस होना, बिल्कुल एक चीज में इंसान नया हो, उस फील्ड की बिजनेस की समझ ना हो, कभी पहले कभी बिजनेस किया ना हो, अपने पास कोई आइडियाज ना हो, रिसोर्सेज हो, तो एक ऐसा जो पैशनेट एक इंसान है कि जो कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज कम है, आइडियाज कम है, एक्सपर्टीज कम है, और यानी तो ये कैसे एक स्टार्ट ले सकता है और एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है। तो हमारा क्योंकि फोकस जो है एक नॉविस एंटरप्रेन्योर है और फोकस ये है कि स्टेज ऑफ एनी बिजनेस के अंदर हम बेसिकली बात कर रहे हैं इंसेप्शन या स्टार्टिंग फेज की या प्री स्टार्टिंग फेज की, तो इस वजह से जो ज्यादा जो मॉडल उसके लिए अप्रोप्रिएट है वो इफेक्चुएशन है। तो अभी हमारा फोकस जो कमिंग जो सेशंस हैं और आज का सेशन है उसमें इफेक्चुएशन को समझने के हवाले से होगा। तो आज का जो सेशन है उसमें थोड़ा बहुत हम जो इफेक्ट फिलोसफी है उसकी जो साइंस है उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एक जो बड़ा क्वेश्चन जो हमारे यहाँ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ या हमारी सोसाइटी के अंदर हम जिस पर डिस्कस करते हैं फॉर्मली या क्या नाम है इस तरह कैजुअली भी, वो ये है कि जो एंटरप्रेन्योर
हैं, क्या ये इनके अंदर कोई ये इसका ताल्लुक जीन के साथ है, या एक एंटरप्रेन्योर एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके खानदान के अंदर फैमिली के अंदर उसके वालिद उसके दादा उसके परदादा उन सब ने नौकरी की है जॉब की है और उस के अंदर इससे पहले कोई बिजनेसमैन नहीं था, इसका मतलब ये कि उसकी जीन के अंदर वो चीज नहीं मौजूद, तो क्या ये बंदा बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता? ठीक है, तो क्या एंटरप्रेन्योरशिप सीखी जा सकती है? क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप है ये गॉड गिफ्ट होता है? ठीक है, तो दिस इज अ डिस्कशन विच इज प्रेजेंट या किताबों के अंदर भी लिखी और इसको हम अपने माशरे के अंदर डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर डिस्कशंस के अंदर इस पर बात भी और इसके हवाले से हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी इसमें जो कॉजल मॉडल है एंटरप्रेन्योरशिप का वो ये बात करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एंटरप्रेन्योर जो है एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए नहीं है, हर बंदा जो है वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता, वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने बिजनेसमैन बनने की एंटरप्रेन्योर बनने की क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं रखी। ठीक है, बाज लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ये बेसिकली एक गॉड गिफ्टेड चीज है, एवरीवन कैन नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर और ये गॉड गिफ्टेड चीज है, ये खुदा की तरफ से होता है, ये जीन का पार्ट है और जिस तरह हम कहते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न, ठीक है, इस तरह हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो लीडर और इन्होंने सोसाइटी के अंदर वो एक लीडरशिप है और लीडर्स जो हैं उनकी एक जो उसके हवाले से जो थ्योरी है कि लीडर्स आर बॉर्न दे आर नॉट मेड, एंटरप्रेन्योरशिप यू कैन नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर थ्रू हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये बेसिकली एक अगली तरफ से बाद लोगों को जो चुन लिया जाता है और उसको उनको एक पैदाइशी वो उनके अंदर वो एक स्किल और वो जो सलाहियत है उसके अंदर मौजूद होती है और आम लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। और एक ये मिथ भी एग्जिस्ट करती है कि एंटरप्रेन्योर्स आर सुपर ह्यूमंस, जिस तरह हम ये बिलीव करते हैं कि यार बिल जो है ही इज अ सुपर ह्यूमन, वो उसके पास ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? ठीक है, उसके पास कोई एक ऐसी क्या चीज है, एक ऐसी मिस्ट्री है, यानी वो हमारे लिए एक यानी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया से हट कर नॉर्मली जिस तरह चीजें की जाती हैं, जिस तरह डेवलप की जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं चीजें, तो ये बिल गेट्स जो है उसकी जो यानी उसका जो ओवरऑल जो उसकी स्टोरी है दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, ही इज अ सुपर ह्यूमन। इस तरह रिचर्ड ब्रांसन को ले लें, डोनाल्ड ट्रंप को ले लें, या इस तरह के डिफरेंट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टीव जॉब्स को आप ले लें, तो एक माइंडसेट हमारी सोसाइटी में ये प्रिवेल करता है कि दीज आर सुपर ह्यूमंस एंड दे हैव गॉड गिफ्टेड स्किल्स एंड रिसोर्सेज एंड एनर्जीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फील्ड ऑफ मिस्ट्री। ठीक है, जिस तरह कहते हैं ना कि यार ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक यानी एक लक की बात है, इसका ताल्लुक किस्मत के साथ है और बस ये एक जुआ खेलना है और क्या नाम है यानी फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो डिफरेंट फॉर्मूलाज बने हुए हैं, डिफरेंट सेंग्स हैं कि मोर रिस्क एंड मोर प्रॉफिट। ठीक है, जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे, जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे तो उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि जब आप स्टैट्स को स्टडी करते हैं तो ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को लेकर जो लोग बिजनेस करते हैं तो 100 में से 95% लोग तो फेलियर की तरफ जा रहे हैं, 3%, 4%, 5%, 1% लोग ऐसे हैं कि जो कामयाब हो रहे हैं, तो ये एक फेलियर का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। और इस तरह फिर वो जो 5% लोग हैं या 1% जो लोग हैं, 2-3% लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में डिफरेंट मिथ्स बनी हुई है कि बिल गेट्स का भी सर मैंने आपसे कह दिया या रिचर्ड ब्रांसन का कह दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ही इज द मोस्ट विजनरी पर्सन इन द वर्ल्ड, द मोस्ट विजनरी एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड। ठीक है,
तो उनके बारे में फिर हमारी एक मिथ्स जो हैं वो डेवलप हो गई हैं। तो बेसिकली उसका जो कॉजल मॉडल है वो ये उसके अंदर ये चीज बताई जाती है, ये बिलीव की जाती है कि एंटरप्रेन्योर्स दे आर बेसिकली बाय बर्थ एंड दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू डू विद योर जीन्स एंड दिस कैन नॉट बी एक्वायर्ड। ठीक है, दूसरा ये है कि जब हम कॉजल मॉडल की बात करते हैं तो उसके अंदर यानी हम जब हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग और ये अल्लाह ताला की तरफ से किसी को दी जाती है, तो उसमें दूसरी बात ये कि हम उसको सीख नहीं सकते। ठीक है, तो टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज एन ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन का मतलब ये है कि यानी ये आग और पानी है। ठीक है, ये एक जगह जमा नहीं हो सकते। टीचिंग और एंटरप्रेन्योरशिप दिस इज इम्पॉसिबल, एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी टॉट। ठीक है, व्हाई एंटरप्रेन्योर दे आर गॉड गिफ्टेड, एवरीवन इज नॉट गॉड गिफ्टेड। ठीक है, 1%, 2%, 3%, 4% ऑफ द पॉपुलेशन ओनली दे कैन बी, दे आर इंटेलिजेंट, दे हैव गॉट हाई आईक्यू लेवल्स। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्ट्रांग इमेजिनेशन होती है, उनके पास बड़े आइडियाज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या नाम है कॉजल मॉडल के अंदर टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली एन इम्पॉसिबल थिंग। यू कैन नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, यू कैन नॉट लर्न एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यू कैन नॉट एक्वायर एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू हार्डवर्क। ठीक है, सो ये एक नैरेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है लिटरेचर के अंदर भी, एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर भी, और इस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर भी, हमारी मार्केट्स के अंदर भी, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कि हर बंदा एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप सीखी नहीं जा सकती, ये पढ़ाई नहीं जा सकती। ठीक है, तो दिस इज वन नैरेटिव रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो आप लोगों ने इसके ऊपर आपकी जिंदगी के अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए होंगे और ये चीज आपके सामने आई होगी। ठीक है, कैजुअली आई होगी, इशारों के अंदर आई होगी, डायरेक्टली आई होगी। ठीक है, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज देयर इन इन आवर सोसाइटी। ठीक है, नाउ हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जाते हैं। 2000 के लगभग एक प्रोफेसर हैं अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के अंदर, वहाँ पर डॉटन बिजनेस स्कूल है, वहाँ पर वो शी टीचेस इन दैट बिजनेस स्कूल। तो उनका नाम है प्रोफेसर सारस सरस्वती। बेसिकली शी इज एन इंडियन बाय बर्थ और वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की एक प्रोफेसर हैं इस वक्त। लेकिन उन्होंने अपनी एक जो पीएचडी की रिसर्च थी उसके अंदर उन्होंने इस चीज को क्या नाम करने की कोशिश की कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये सीखी जा सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर से सीख कर उसको अगर हम अप्लाई करें तो हम भी कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी लर्न एंटरप्रेन्योर्स के कामयाब बिजनेसमैन जो हैं, कामयाब जो एंटरप्रेन्योर उसकी उसको फिलॉसफी शक्ल दे के, उसको एक मॉडल की शक्ल दे के तो हम लोगों के सामने लेकर आए और उनके लिए बिजनेस जो है उसको शुरू करना और बिजनेस डिसीजंस लेना और एक्शंस लेना उनके लिए आसान है और वो एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए मददगार हो। तो उन्होंने इस अपनी रिसर्च के लिए कुछ एक पॉपुलेशन सेट की और बाद जो कामयाब एंटरप्रेन्योर से उनका उन्होंने इंटरव्यू किया, उनसे उनके उनसे उन्होंने रिसर्च की। ठीक है, और उनकी रिसर्च से एक बड़ी एंटरप्रेन्योर जो हैं वो कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं। ठीक है, उनके पास कोई ऐसी कोई सुपर नेचुरल जो है वो पावर्स नहीं है,
या उनकी इमेजिनेशन ऐसी नहीं है कि जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, या उनके पास कोई ऐसी लॉजिक है जो आम आदमी समझ नहीं सकता, ठीक है। बल्कि उन्होंने जब एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी किया तो उन्होंने डिस्कवर किया कि एंटरप्रेन्योर्स दे आर वेरी सेंसिबल पीपल, वो बहुत समझदार लोग हैं और वो बेसिकली उनकी कॉमन सेंस वो ठीक है, वो चीजों को सिंपल रखते हैं और बहुत लॉजिकल रखते हैं, और वो जिस तरह सोचते हैं, वो जिस तरह डिसीजंस लेते हैं और उनकी जो एक्शंस हैं, दे आर दीज आर बेस्ड ऑन सर्टन लॉजिक। वो हर चीज को किसी लॉजिक की बेस के ऊपर वो सोच भी रहे हैं, डिसीजन भी ले रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं, ठीक है। तो वो जो लॉजिक है वो प्रोफेसर सारा सरस्वती ने डिस्कवर की थी, और उन तमाम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर उन्होंने एक ऐसे प्रिंसिपल जो हैं वो आइडेंटिफाई किए कि जो तमाम एंटरप्रेन्योर्स उनको प्रैक्टिस कर रहे थे और वो उनके अंदर कॉमन थे। यानी उनका सोचने का जो तरीकाकार था, जो जाविया था चीजों को देखने का और सोचने का, ठीक है। और वो जिस तरह जो डिसीजंस वो ले रहे थे बिजनेस के, वो डिसीजंस भी किसी एक खास लॉजिक की बेस पर वो मबनी थे, और इस तरह उनकी एक्शन भी जो है उनको एक खास किस्म की लॉजिक, एक खास किस्म की जो सोच है वो उनके एक्शंस को भी जो है वो ड्राइव कर, ठीक है। और उनको पता चला कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट समथिंग विच इज सुपर नेचुरल, बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर बनना, एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड के अंदर कदम रखना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये सिर्फ जो है चंद लोग हैं जो सुपर ह्यूमंस हैं, जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, जिनके पास कोई खुदा की तरफ से ऐसी पावर्स दी गई हैं कि सिर्फ वही कर सकते हैं और बाकी लोग नहीं कर सकते। बल्कि प्रोफेसर सारा सरस्वती ने इस चीज को सीखा और उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया कि एंटरप्रेन्योरशिप तो बड़ी साइंटिफिक और बड़ी लॉजिकल और बड़ी आने वाली साइंस है, ठीक है। देयर इज अ साइंस टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर जितने भी काम करते हैं, ठीक है, उसके पीछे उनकी एक साइंस है, ठीक है, उनकी उसके पीछे उनकी एक लॉजिक, ठीक है। देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स which drive their actions, और उन्होंने इस चीज को यानी डिस्कवर किया और उनकी रिसर्च ने इस बात को सामने लाया कि मतलब आपके खानदान के फैमिली के अंदर मुझे अगर मेरे वालिद और बिजनेसमैन थे तो हार्ड से और थोड़ा बहुत के जरिए से और शौक के साथ अगर वो काम करेगा तो वो एंटरप्रेन्योरशिप को सीख सकता है, वो बिजनेस को सीख सकता है, और एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर सीरियल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। देखिए, एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं वो लोग जिन्होंने 10 15 20 साल तक बिजनेस किए और मुख्तलिफ जो है 5 6 7 उन्होंने की, जिसमें दो फेलियर से 3 4 5 ऐसे थे कि जो एक सक्सेस थे, तो उनको हम करते हैं और उसमें वो कामयाब हो जाते हैं, उसकी टीम बना लेते हैं और टीम उनकी मैनेज करती है उन बिजनेस को। उसके बाद वो एक और जो है वो हाथ डालते हैं और उनको कामयाबी से वो आगे ले जाते हैं। दीज आर नोन एज सीरियल एंटरप्रेन्योर्स,
दिस टर्म इज यूज फॉर दोज पीपल, ठीक है, जो दिख रहे मुख्तलिफ लेते हैं और उनके स्टार्टअप जो हैं वो काम किए। तो अब इनकी कामयाबी के पीछे देर इज सम साइंस, इनकी कामयाबी के पीछे देर इज सम लॉजिक, कामयाबी के पीछे एक सोच का फरमा है, इनकी कामयाबी के पीछे बाज उसूल हैं, वो ऐसे यानी वो ऐसी राज की बातें हैं, ऐसी गुर की बात, ठीक है, जिनको वो उन्होंने और वो जिस वेंचर में जाते हैं वो कामयाब हो जाते, ठीक है, जिस आइडिया को लेकर आगे एग्जीक्यूट करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर सारा सरस्वती ने अपनी रिसर्च से ये इस चीज को जो है वो क्या नाम है इसको सामने लाया कि एंटरप्रेन्योरशिप सीखी जा सकती है, और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है साइंटिफिक, इसका प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक है, और इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, इस लॉजिक को एक्सपर्ट और सीनियर बिजनेसमैन फॉलो करते हैं, ठीक है। और फैक्चुएशन की जबरदस्त बात ये हुई कि फैक्चुएशन ने एंटरप्रेन्योरशिप को टीच करना ये आसान कर दिया, और एंटरप्रेन्योरशिप ने ये चीज पॉसिबल कर दी कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप सीखी जा सकती है। फैक्चुएशन हैज मेड एंटरप्रेन्योरशिप टीचेबल एंड लर्नेबल एंड इट इज नॉट अ मिस, ठीक है, इट इज नॉट समथिंग विच इज आउट दिस वर्ल्ड, इट इज समथिंग विच इज लॉजिकल, विच इज साइंटिफिक, विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन You can say heuristics. ये तजरबात के ऊपर ठीक and it is a valuable tool for novices to start a venture. Effectuation जो है वो एक बड़ा जबरदस्त टूल है, अगर आप effectuation की फिलोसफी यानी वो जो expert entrepreneurs जो उनकी logic, उनका mindset, उनकी science को अगर आप समझ लें, ठीक है, तो अगर आप novice हैं No problem, ठीक है, you can become a good businessman, you can become a successful entrepreneur, ठीक है, आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्चुएशन ने बिजनेस को शुरू करना, एक स्टार्ट लेना हमारे लिए आसान कर दिया। हमें एंटरप्रेन्योरशिप को सीखना आसान कर दिया, ठीक है, ठीक है। सो इफेक्चुएशन ने बेसिकली इट हैज अनलीश्ड, और इफेक्चुएशन ने कहा कि एवरी पर्सन कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ बाज लोगों के लिए खास और बाकी लोग नहीं बन सकते, ठीक है, एवरीवन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, अगर उसके अंदर एक पैशन है और वो हार्डवर्क करता है और शौक से काम करता है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा मसला ये है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया जो डोमिनेंट मॉडल है हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, वो कॉजेशन मॉडल है, दैट इज मॉडल ऑफ परफेक्शन, ठीक है, दैट गोल ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है, जब हम फ्यूचर के बारे में ख्वाब बनाते हैं उसके बाद प्लान करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम दैट इफ यू वांट टू बी और इफ यू वांट टू बिजनेस एंड इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, देन वी नीड टू अनलर्न, हमें बहुत से सारी चीजें उनको अनलर्न करना होगा, हमें वो छोड़नी होगी, ठीक है, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ेगा। So, थोड़ी में यही कह रहा कि आप माइंडसेट को टोटली छोड़ दें, ठीक है, जिस तरह कहती है ना कि अदल जो है अदल की तारीफ है, अदल की तारीफ ये है कि जो जिस चीज की जगह है उसको आप वहां पर रखते हैं, ये अदल है, ठीक है, पोजिशन की जगह है हम उसको वहां पर रखते हैं,
लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस को शुरू करने की, ठीक है, तो ये जो हमारा माइंडसेट डेवलप हो गया है कि हम सिर्फ कॉजल मॉडल को यूज करके, एक परफेक्शन माइंडसेट को यूज करके, जी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ये भी जी अभी आ रही है, काइंडली रिप्लाई। अब ठीक है सर। तो एक बड़ा मसला ये है, वी नीड टू अनलर्न, ठीक है, और वी नीड टू यानी वी मस्ट बिकम लर्नर्स, ठीक है, हमारा एक यानी सीखने का मिजाज हो, और वी मस्ट बी डाउन टू अर्थ, ठीक है, और हमारे अंदर जब ये पैशन होगा तो सीखने का, तो वी कैन ओके काइंडली एक ब्रेक मुझे आप दें, बी विद मी, मैं थोड़ा सा ये चार्जिंग लगा दूं, एक मिनट। जी तो एक तो हमारी अभी की डिस्कशन का जो खुलासा है वो ये हो गया कि ये जो डिस्कशन है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न और मेड, ठीक है, तो एक इंसान को अगर एक अच्छा माहौल मिलता है और बचपन से ही उसको एक कारोबारी माहौल मिलता है और उसमें वो सीखता है, तो दैट इज वंडरफुल, ठीक है, और अगर आपको एक ऐसा माहौल नहीं मिला, ठीक है, और आपको बचपन से ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली, डोंट वरी अबाउट, ठीक है, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, यू कैन बिकम सक्सेसफुल, ठीक है, यू जस्ट नीड टू बिकम, यू कैन से अ लर्नर एंड लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर ह्यूरिस्टिक्स, उनके तजुर्बा से सीखना होगा, ठीक है। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस इफेक्चुएशन, तो ये इफेक्चुएशन हमारे लिए थोड़ी सी मिस्ट्री बनी हुई है कि यार ये इफेक्चुएशन है क्या। तो इससे पहले थोड़ी बहुत तो हमने डिस्कशन बेसिकली देखें, दोनों जो है कॉजल जो मॉडल है, यानी मैनेजमेंट मॉडल और इफेक्चुअल मॉडल, बोथ आर ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक, कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको अप्रोच, उसके सॉल्यूशन को कैसे अप्रोच करते हैं या प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करते हैं। तो कॉजेशन ये कहता है कि यार आप थोड़ा बहुत शुरू से गोल बनाओ, ठीक है, और एक परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाओ, परफेक्ट रिसोर्सेज बनाओ और शुरू से हर चीज को परफेक्ट करो। इफेक्टिवेशन ये कहता है कि उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करो ना कि आप जो पास है ना इसको लेकर सॉल्व शुरू कर दो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपको लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, टीम बनना शुरू हो जाएगी, रिसोर्सेज आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो पास है उसे तो शुरू करो ना, ये नहीं कि बस इंतजार में बैठे रहो। डोंट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट विद व्हाट यू हैव, स्टार्ट विद योर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड स्टार्ट राइट नाउ, आपको जाया ना करो, ठीक है। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बाप है और उसके अंदर उसके दो बेटे हैं, और बाप को ये शौक है कि मेरे बच्चे हैं ये कम अज कम ये अपने पाँव पर खड़े हों, इनकी मैं ट्रेनिंग करूँ, एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग करूँ, इनको मैं थोड़ा बहुत बिजनेस की तरफ लेके जाऊँ। सबसे पहले मोटिवेट करता है अपने बच्चों को, कहता है कि बच्चों आप जो है आप अपना टाइम जाया नहीं करना, या आपकी छुट्टियां हैं और चलो इस छुट्टियों को है वो आते हैं, ठीक है, और COVID-19 आया हुआ है, पढ़ाई भी ऐसी नहीं खास हो रही, चलो कुछ चीज सीखते हैं, ठीक है, लेट्स डू समथिंग, और आपको मैं ऐसे करता हूँ ना कि आपने जो है वो कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी है, ठीक है। अब देखिए दो बच्चों का माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा कहता है बाबा बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है और मैं बिल्कुल आपके एग्री करता हूँ, लेकिन बाबा ऐसा है ना कि आपको तो पता है ना कि बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए, ठीक है, तो मुझे आप जो है वो कम से कम 2-3-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, ये देखें बाबा बगैर पैसे के तो बिजनेस नहीं होता ना। फिर बाबा ये कि आपने मुझे इस तरह है कि मुझे एक आपने लैपटॉप भी लेके देना है
और आपने मुझे ये चीजें भी लेके देनी है, मेरे लिए कमरा के देना है ठीक है, या मुझे इस तरह की कोई चीज करके देनी है ठीक है, एक ये माइंडसेट है। अब वो बच्चा जो है वो कह रहा है कि चलो मैंने एक बिजनेस तो करना है, लेकिन उसका माइंडसेट ये बना हुआ है कि वो एक परफेक्ट रिसोर्सेज होंगी, मेरा वालद मुझे परफेक्ट रिसोर्सेज देगा तो मैं स्टार्ट दूंगा, वैसे मैं कुछ काम नहीं करूंगा ठीक है। लेकिन दूसरा जो बच्चा है, जब उसने अपने वालद की बात को सुना कि बाप ने मुझे कहा है कि यार अपना टाइम प्लानिंग करना, चलो बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, कुछ चीजों को सीखते हैं, चीजें करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं ठीक है, तो फौरन जब उसने बाप की इस मोटिवेशन को सुना तो उसके उसने अब उसका दिमाग चलना शुरू, उसने कहा कि यार देखो मुझे अपने अबू ने मुझे ये पॉकेट मनी दी है और रोजाना की 50 रुपीज है, 100 रुपीज है, तो ये मेरे पास सेविंग पड़ी हुई है 2000 रुपीज ठीक है, इस तरह मेरे घर के अंदर और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी के काम की नहीं है, उनको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने उसमें। उसने देखा कि यार अब्बू मेरे जो हैं वो अखबार पढ़ ठीक है, और उसने स्टोर के अंदर जाके देखा तो अखबार जो है वो ढेरों के ढेर पड़े हुए हैं, तो उसने अपने इजाजत ली और उन अखबार को लिया, और लेट से उसके पास पैसे नहीं थे, लेट से उसकी पॉकेट के अंदर ठीक है, एक हम ये कह लेते हैं, उसने जाके देखा कि अखबार पढ़ी है, तो उसने उसको उठाया और जाकर रद्दी वाले को जाकर वो सेल कर दी, और उससे लेट से उसके पास 200 रुपीज आ गए। तो एक रिसोर्स क्रिएट की, थोड़ी सी स्ट्रगल की, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की कोशिश की, अब 200 रुपये उसके पास आ गए। अब 200 रुपये से उसने क्या किया कि उसने कहा कि चलो यार ऐसे करते हैं कि मार्केट का सीजन है, तो ऐसे करते हैं कि मैं जाता हूँ और मंडी में से जाके अच्छे से जो गेहूँ है ये लेता हूँ, और ये जो हमारा ये पार्क है, लेट से एबटाबाद गार्डन है ठीक है, वहां पर मैं जाता हूँ और वहां पर लोग आते हैं डिफरेंट, तो उनको मैं लेट से मैंने 5 रुपए का खरीदा है, मुझे 5 रुपए का पड़ रहा है, और मैं इसको 7 रुपीज का 8 रुपीज का सेल करूंगा ठीक है, और वो जाता है और थोड़े बहुत लोगों से बात करता है और लोग खुश होते हैं कि यार देखो मैं यहाँ पर एक अच्छा एक यानी ऑरेंज बड़ी अच्छी क्वालिटी में क्यों उसने हमें दिया है ठीक है, और वो सेल कर देता है लेट से 1 dozen 2 dozen 3 dozen, तो 200 से उसने 250 300 रुपया बना लिया ठीक है। अब देखिए ये दोनों बच्चों की डिफरेंट आपके सामने अप्रोचेज आ गई ठीक है, पहले बच्चे ने कहा कि मैं उस वक्त तक काम नहीं करूंगा जब तक बाग मुझे रिसोर्सेज नहीं देगा, एक्सप्लोर करने की कोशिश की और उससे सफर उसने शुरू कर दिया ठीक है। बिल्कुल यही डिफरेंस है कॉजल और इफेक्चुएशन मॉडल का। कॉजल मॉडल जो है उसके अंदर शुरू में आप यानी स्टार्ट लेने के लिए आप परफेक्शन की बात करते हैं ठीक है, परफेक्ट की बात करते हैं, जब तक वो परफेक्शन अचीव नहीं होती आप उस वक्त तक उसको डोंट टेक द प्लंज, यू डोंट टेक एक्शन, इट गेट्स यू गोइंग ठीक है। राइट नाउ आप अभी कोई काम शुरू कर सकते हैं ठीक है, और रिसोर्सेज आपकी अपनी है, आपको किसी से मदद की जरूरत नहीं है ठीक है, एंड यू नो योर रिसोर्सेज बेटर, हाउ यू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज एंड क्रिएट सम वैल्यू ठीक है, और रिसोर्सेज आपकी हैं वो यूनिक हैं, वो किसी के पास भी नहीं है ठीक है। सो आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, आपका सफर शुरू होता है, आपकी इंटरेक्शन से स्टार्ट हो जाती है, आपकी नेटवर्किंग बनना शुरू होती है, आपकी मार्केट रिसर्च साथ साथ शुरू हो रही है, आप स्टार्ट हो रहे हैं, आपके आइडियाज बिल्ड होना शुरू हो रहे हैं ठीक है, सीख रहे हैं। तो दिस इज यानी ये मैं आपको एक खुलासे के अंदर इफेक्चुएशन यानी अगर आप इस चीज को सिर्फ समय लेना तो ये वाली बात भी आपके लिए काफी है, गुड एंटरप्रेन्योर ठीक है। सो लेट्स टेक यू कैन से क्विक जर्नी ऑफ इफेक्चुएशन, अ क्रैश टूर ऑफ इफेक्चुएशन की इफेक्चुएशन है क्या सारा सारा जो अपनी जो रिसर्च और उससे उन्होंने इसको किया, 5 एक ऐसे उसूल हैं, गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं ठीक, और अमेजिंग ये प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स प्रैक्टिस करते हैं ठीक है, जिसकी वजह से वो जिस वेंचर के अंदर जाते हैं ठीक है वो कामयाब बिजनेस में निकलते हैं। तो इफेक्चुएशन जो है वो 5 को प्रैक्टिस करने का नाम, उनको समझना और उनको प्रैक्टिस करना, उनको एक्सीक्यूट करने का नाम है। उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज द बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल जो है अफोर्डेबल लॉ प्रिंसिपल, थर्ड जो है द क्रेजी क्विल प्रिंसिपल,
fourth is the laminate principle and the fifth one is तो थोड़ा बहुत इनकी डिटेल में हम जाते हैं आज थोड़ा बहुत ये कम से कम टर्मिनोलॉजी है थोड़ा बहुत उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो क्या माना रखती हैं तो आज हम जल्दी से थोड़ा सा इसमें से यानी गो थ्रू करेंगे सबसे पहली चीज जो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर से सीखी गई वो ये है कि जब भी वो कोई भी तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो उनकी अवेलेबल रिसोर्सेज या अवेलेबल मींस हैं वो सबसे पहले अपने मींस अपनी रिसोर्सेज से स्टार्ट लेते हैं जिसको हमने के अंदर जो मॉडल के अंदर भी डिस्कस किया कि सबसे पहले वो अपने वहां से स्टार्ट लेते हैं और इसके लिए बड़ी क्रिएटिव से इन्होंने यूज किया है द बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल ठीक है जिस तरह आशीष के अंदर अ बर्ड इन हैंड बेटर देन टू इन द बुशेस जो आपका है ये दो परिंदों से जो बुशेस जो आजाद हैं जो आपकी कंट्रोल में नहीं है ठीक है जो आपका नहीं है ठीक है तो आपके लिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए वो रिसोर्सेज अहमियत रखती हैं वो चीजें अवेलेबल हैं जो आपके पास हैं वो रिसोर्सेज जो किसी और के पास हैं किसी बैंक के पास हैं किसी इन्वेस्टर के पास हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ठीक है उनके बारे में मत सोचें ठीक है और इफेक्चुएशन की जबरदस्त बात यह है कि इफेक्चुएशन रिसोर्सेज को बड़ा डिफरेंटली डिफाइन करते हैं यानी रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है एक बड़ा बैंक बैलेंस हो टेंजिबल रिसोर्सेज हो बिल्डिंग्स हो और शॉप्स हो और ये चीजें हो ये भी हैं लेकिन सिर्फ यही नहीं है ठीक है तो व्हेन एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर सेट आउट टू बिल्ड अ न्यू वेंचर दे स्टार्ट विद देयर मींस जब भी एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स वो कोई नया वेंचर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई स्टार्टअप लेते हैं शुरू करते हैं उसको तो वो अपनी रिसोर्सेज से स्टार्ट लेते हैं अब जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे तो उसके लिए तीन क्वेश्चंस के आंसर एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं अपनी रिसोर्सेज के हवाले से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हु आई एम मैं कौन हूं दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आई नो मैं क्या जानता हूं और तीसरा क्वेश्चन जो है हुम आई नो मैं किन को जानता हूं ये तीन क्वेश्चंस के आंसर जो है एक एंटरप्रेन्योर अपने बारे में करता है और इनका जो इन तीनों का जो आंसर है दैट इज योर रिसोर्स ठीक और फिर वहां से दे बेसिकली इमेजिन डिफरेंट पॉसिबिलिटी ओरिजिनेट फ्रॉम मींस ठीक है आप अपनी रिसोर्सेज से फिर आपको पता चलता है कि यार मैं क्या कर सकता हूं तो हमारे जो नेक्स्ट सेशन है वो डिटेल सेशन हर एक प्रिंसिपल के ऊपर आएगा मैं अभी थोड़ा सा जो है वो क्विकली थोड़ा बहुत आपको जो है इन प्रिंसिपल्स के हवाले से आगाही दे रहा हूँ तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल है एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपनी रिसोर्सेज से स्टार्ट लेते हैं ठीक है कमिंग टू द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इफेक्चुएशन ऑफ एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स कि एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो दूसरा जो प्रिंसिपल जो प्रैक्टिस करते हैं वो ये है कि वो रिस्क की डाउन साइड को फोकस करते हैं ठीक है यानी जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के अंदर वो क्या नाम है सबसे पहले क्या नाम है वो लॉस को फोकस करते हैं काइंडली गिव मी वन मिनट ऐसे कर ये अस्सलाम वालेकुम सॉरी जी आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है अच्छा
इफेक्चुएशन का जो सेकंड प्रिंसिपल है दैट इज द अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल, और उसका मतलब ये है कि एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर जब रिस्क लेते हैं, ठीक है, व्हेन दे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ दे ट्रीट रिस्क, ठीक है। तो जिस तरह हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि यार कौन सा बिजनेस करें, यार कहते हैं यार ऐसा बिजनेस करें ना जिसमें, ऐसा बिजनेस बताओ ना, कोई ऐसा आइडिया बताओ ना जिसमें हम रातों रात जो है ना लाखों रुपए कमा लें, करोड़ों रुपए कमा लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसीजन किया जा रहा है किसी भी अपॉर्चुनिटी के हवाले से, किसी भी आइडिया के हवाले से, किसी भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, तो वो लिया जा रहा है प्रॉफिट को सामने रख के, यानी रिस्क की अपसाइड को सामने रख के, ठीक है। जबकि एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स का जो अमल है, उनकी जो प्रैक्टिस है, वो टोटली इसके अपोजिट है। एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स दे बेसिकली टेक रिस्क, लेकिन इतना रिस्क वो लेते हैं कि वो अगर लॉस हो जाए तो बर्दाश्त कर सके। यानी फॉर मैं एग्जाम्पल देता हूं, उनके पास 100 रुपए, 100 में से 5 रुपए का रिस्क लेंगे, 10 रुपए का रिस्क लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 लगा दें, या 100 के 150 लगा दें, या 100 के 200 लगा दें, जिस तरह नॉर्मली हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी में हो रहा है कि यार पास जेब में 100 रुपया है और बंदे ने इन्वेस्टमेंट जो है वो 150 रुपए की कर दी है, या 100 के 100 लगा दी है। तो यार इन केस अगर, यानी एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता और बिजनेस का रास्ता, इसमें फेलियर्स होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, यू आर बाउंड टू फेल, ठीक है। सो यू मस्ट हैव सम स्पेस, यू मस्ट हैव सम, लेट्स से सम कुशन फॉर फेलियर्स, ठीक है। 100 रुपए में से 5 रुपए का अगर आपने रिस्क ले लिया और 5 रुपए का अगर आपको फेलियर हो गया तो आपका सफर नहीं रुकेगा, ठीक है। सो दे बेसिकली इंस्टेड ऑफ सीकिंग लार्ज ऑल और नथिंग अपॉर्चुनिटीज, दे बेसिकली फोकस ऑन अफोर्डेबल लॉस। यानी हमारा माइंडसेट ये है ना कि यार ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो माइंडसेट ये है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो यार ये इसमें करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो हम जो है वो बिल्कुल बैठ जाएंगे और या हम तर जाएंगे, या मतलब ये बस जुआ है, लक की बात है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये खुदकुशी है, ठीक है। ये क्या नाम है, ये लक और ये कोई बिजनेस का ये अप्रोच नहीं है, एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन की अप्रोच नहीं है, दिस इज नॉनसेंस, ठीक है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एंटरप्रेन्योर्स दे आर वेरी सिंपल पीपल, दे हैव गॉट अ वेरी गुड कॉमन सेंस, ठीक है। So they choose goals and actions where there is upside, even if the downside ends up happening. ठीक है, वो ऐसे goals और ऐसे actions choose करते हैं कि अगर उन goals के अंदर, उन actions के अंदर उनको अगर वो गिर पड़े, अगर उनको नुकसान हो जाए, तब भी वो दोबारा खड़े होकर अपना सफर शुरू करते हैं और यहां तक वो upside तक पहुंच जाए, profit तक पहुंच जाए, कामयाबी तक पहुंच जाए, ठीक है। तो जो सेकंड प्रिंसिपल है वो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स का, दैट इज अफोर्डेबल लॉस। तो अगर एक नॉविस एंटरप्रेन्योर, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपने अगर इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ऐसा ऐसा यू कैन टेक अ सेफ स्टार्ट एंड स्लोली एंड श्योरली यू विल मूव फॉरवर्ड, यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ठीक है, एंड आप जो है वो कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। तीसरी चीज, तीसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज एन अमेजिंग प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल है द लेमोनेड प्रिंसिपल, ठीक है। जिस तरह हम ये बनाते हैं ना कि लीमू पानी बनाते हैं, या स्कंजबीन बनाते हैं, या शिकंजबीन कहते हैं, या शिकंजी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट If nature provides you with lemons, make lemonade, ठीक है। अगर आपको, यानी आपने काम शुरू किया और आपको यानी लीमू मिल रहे हैं, lemons मिल रहे हैं, तो आपको lemon मिल रहे हैं तो आप lemonade बनाए ना। आपने पहले से एक goal set कर ले कि यार मैंने apple juice जो है वो बनाना है। अब जब आपने काम शुरू किया, interaction लोगों से start की, तो आपको सेब नहीं मिल रहे, एप्पल्स नहीं मिल रहे, आपको जो है वो लेमन मिल रहे हैं। लेकिन आपने, आपका जो एक टनल विजन बन गया है, आपने अपने आप को लिमिट कर दिया एक आइडिया के अंदर, वही जो कॉजल माइंडसेट है
कि नहीं यार मैंने तो एप्पल जूस ही बनाना है, ठीक है, तो ये दैट इज अ वेरी यू कैन से दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि वो कैसे उसमें कामयाब होगा. ठीक है, एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स दे आर वेरी फ्लेक्सिबल विद रेस्पेक्ट टू आइडियाज. अगर वो लेमन मिल रहे हैं तो लेमनेड बनाएंगे, अगर एप्पल्स मिल रहे हैं तो एप्पल जैम बना लेंगे, अगर ऑरेंजेस मिल रहे हैं तो ऑरेंज जूस बना लेंगे. ठीक, सो दे आर आइडिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बेसिकली सफर का जारी रखना इम्पॉर्टेंट है, और बेसिकली सरप्राइजेस आर गुड. यानी इसका खुलासा ये है इस टूल का कि सरप्राइजेस जो हैं वो अच्छे हैं. हम ये समझते हैं कि बिजनेस प्लान का जो माइंड सेट है उसके मुताबिक सरप्राइजेस जो हैं वो बड़ी बुरी चीज़ है. ठीक है, एनी डिविजन फॉर फ्रॉम दैट प्लान, कोई भी चीज़ जो उस प्लान से हटकर हो जाए तो वो हमारे लिए बड़ी एक यानी वो मुश्किल बन जाती है. जबकि जो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं बेसिकली दे ब्रीद इन सरप्राइजेस, दे लिव इन सरप्राइजेस, दे एंजॉय सरप्राइजेस, बल्कि उनकी सारी जिंदगी सरप्राइजेस में गुजरती है. ठीक है, सो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स दे इनवाइट द सरप्राइज फैक्टर, दे इनवाइट यानी दे एंजॉय, बेसिकली लिव इन सरप्राइजेस एंड दे लीवरेज कॉन्टिजेंसीज. ठीक है, वो सरप्राइजेस से कॉन्टिजेंसीज से, ठीक है, नई जो चीजें आपने पहले से सोची नहीं थी और रुनुमा हो गई तो उनको वो लीवरेज करते हैं, उनसे वो फायदा उठाते हैं. वो बुरी चीजें नहीं है, वो अच्छी चीजें हैं, वो आपके लिए नए रास्ते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसको एक्सप्लोर करना है एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ. ठीक है, सो इस पर इंशाल्लाह हम डिटेल में आएंगे आगे. फोर्थ प्रिंसिपल जो है फ्लक्चुएशन का, दैट इज द पैचवर्क क्विल्ट. कि जिस तरह इससे पहले भी हमने जब हमने कल बात की थी उसमें हमने एक बात ये देखी थी कि फ्लक्चुएशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप बिल्डिंग, को क्रिएशन. ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कंपटीशन में बिलीव नहीं करते, उनका कंपेटिटिव माइंडसेट नहीं, उन्होंने कोई दुश्मनी नहीं करनी, उन्होंने कोई जंग नहीं खेलनी, उन्होंने नेटवर्क्स बिल्ड करने हैं. ठीक है, और जितने भी लोग आपके साथ आपकी इंडस्ट्री में आपके जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी सर्विसेज के अंदर बाकी जितने भी लोग हैं, ये आपके राइवल्स नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है. ठीक है, साथ आप कोलैबोरेशन बिल्ड करें. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स दे बिल्ड कोलैबोरेशन. ठीक है, दे आर टीम, यू कैन से दे आर टीम मेंबर्स. ठीक है, दे आर टीम गाइस. ठीक है, वो उनको टीम में काम करना आता है, लोगों के साथ मिलकर काम करना आता है. दे हैव गॉट अ वेरी गुड यू कैन से सोशल यू कैन से सर्कल और सोशल पर्सनैलिटी. ठीक है, ये जो फोर्थ जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन के एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स दे आर वेरी कोलैबोरेटिव, दे बिल्ड पार्टनरशिप, और बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप बिल्डिंग का नाम है. ठीक है, तो अगर आप एक नोविस हैं, आपने कभी पहले बिजनेस नहीं किया या स्ट्रगल कर रहे हैं, डोंट वरी, अपने कंपटीशन का माइंडसेट को पीछे करें. ठीक है, कोलैबोरेशन का पार्टनरशिप का माइंडसेट बनाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें, कोलैबोरेशंस बिल्ड करें, और आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स नजर आएंगे. एंड देन द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्चुएशन दैट इज पायलट इन द प्लेन. अमेजिंग टर्मिनोलॉजी. ये एक प्रोफेसर सारा सरस्वती, उनकी जो टीम है जिन्होंने जो इस मॉडल को और इस एंटरप्रेन्योरशिप की इस यानी एक ज़बरदस्त जो मॉडल और फील्ड है उसको डेवलप किया, तो उनकी अमेजिंग एक कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने इन प्रिंसिपल्स के बड़े क्रिएटिव किस्म की टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो रखी हैं. पायलट इन द प्लेन, वो जिस पायलट होता है गाड़ी का है, उस तरह करता है. जो एक गाड़ी का ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसने अपने हाल में जो प्रॉब्लम एट हैंड है उसको फोकस करना है. ठीक है, ये नहीं है कि अभी ये सामने जो ड्राइव कर रहा है और सोच रहे, उसकी सोच जो है वो कहीं और है. अगर उसकी सोच कहीं और होगी, और चीजों के बारे में सोच रहा होगा, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा होगा, ठीक है, तो वो फिर अपने हाल से बेखबर हो जाएगा. जब हाल से बेखबर होगा तो उसके जो नतायज हैं अच्छे नहीं होंगे, कहीं एक्सीडेंट कर देगा. इस तरह एक पायलट है किसी प्लेन के अंदर, जब वो टेक ऑफ कर रहा है
तो उसको फोकस करना चाहिए अपने टेक ऑफ करने के ऊपर. उस वक्त ये ना सोचे कि आप टेक ऑफ कर रहे हैं और लैंडिंग के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो इफेक्चुएशन और एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स दे डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, दे डोंट बिल्ड विजन. उनको मतलब विजन की जरूरत नहीं है, उनको वो गोल नहीं बनाते, वो प्लानिंग नहीं करते. वो बहुत सेंसिबल लोग हैं और उनसे हमने ये सीखा कि एक एंटरप्रेन्योर कामयाब हो सकता है जब वो फोकस्ड हो अपने प्रेजेंट के ऊपर, अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने के ऊपर, और जो प्रॉब्लम एट हैंड है उसको किस तरह सही तरीके से एड्रेस करना है, और उसको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उस प्रोजेक्ट को कैसे अच्छे तरीके से अपनी फुल एफर्ट्स के साथ उसको जो है अपनी 110% देकर उसको अपनी फुल एफर्ट देनी है और नतीजे अल्लाह पर छोड़ने हैं. ठीक है, तो ये आज हमने जो है इफेक्चुएशन की जो फिलॉसफी है उसको हमने थोड़ा बहुत ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया, और उसकी जो 5 principles हैं, 5 amazing principles वो डिस्कस किए, और उसका खुलासा ये है कि एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनकी जो ह्यूरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टार्ट विद योर मीन, अपने वसाइल से, अपनी रिसोर्सेज से स्टार्ट करें. ठीक है, वो वैल्यूबल है आपके लिए. सेकेंडली जो है इतना रिस्क ले जो आप अफोर्ड कर सकें. ठीक है, 100 में से 10 रुपए का रिस्क लें, 5 रुपए का रिस्क लें. आपने बिजनेस को शुरू करना है, शुरू करने के लिए जरूरी नहीं है कि 100 के 100 आप लगा दें, 5 रुपए लगाए, चीजों को सीखें, फेलियर हो फेलियर से सीखें, मिस्टेक्स हो मिस्टेक से सीखें. ठीक है, तीसरी चीज, अपने आप को एक आइडिया के अंदर बंद ना करें. लेमोनेड प्रिंसिपल, बी ओपन सरप्राइजेस. ये इतना जबरदस्त, इतना फैसिनेटिंग किस्म का ये रास्ता है कि जब आप इस रास्ते में पढ़ेंगे यू विल एक्सपीरियंस सरप्राइजेस. ठीक है, दिस इज फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ लर्निंग्स, फुल ऑफ न्यू थिंग्स. ठीक है, तो अपने आप को आपने किसी भी एक आइडिया के अंदर, किसी भी एक प्लान के अंदर नहीं करना. ठीक है, सो बी ओपन फॉर सरप्राइज. चीज चौथी चीज जो है, बी कोलैबोरेटिव, बिल्ड पार्टनरशिप्स. बिजनेस पार्टनरशिप बिल्डिंग का नाम है. ठीक है, और जो आखिरी चीज जो हमने डिस्कस की, फोकस ऑन योर प्रेजेंट, कंट्रोल योर प्रेजेंट. योर प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट. अगर आपने अपना प्रेजेंट अच्छा कर लिया, आपने अपना आज अच्छा कर लिया, कल आपका बेहतर होगा. ठीक है, सो एज अ बिजनेसमैन अपने जो आज के आपके, जो अभी के आपके जो टास्क हैं उसको आप बेहतर तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उस पे फोकस. ठीक है, एंड दिस इज द इफेक्चुअल लॉजिक जो हमने आज डिस्कस की. ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत आपको इफेक्चुएशन का थोड़ी बहुत जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हुई है. जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने हो? जी, ओवरऑल तो मेरे ख्याल में मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं. इमरान भाई, ये जो इफेक्चुएशन के आपने 5 वो मॉडल्स बताए, मतलब एक बिजनेस माइंडसेट में अप्लाई करने होते हैं, या इनमें से दी बेस्ट कौन सा है, ये काइंडली आप जरा. जी, बेसिकली ये हर प्रिंसिपल अपनी जगह एक उसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये सब आप ये एक यानी ये अकेला सेंस नहीं, यानी अगर आप ये कहें ना कि कोई एक सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है. ठीक है, ये सब मिलकर आपस में, जब आप इन सबको एक, यानी जब आप सबको साथ लेके चलेंगे, ठीक है, तो ये एज अ होल जो है दे विल
गिव ठीक है एंड विल बी दे विल हैव एन इम्पैक्ट ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक जिस तरह बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल को आप फोकस करें और अफोर्डेबल लॉस को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता ठीक है. तो ये एक पूरी यानी इफेक्चुएशन जो फिलॉसफी है वो इन पांच प्रिंसिपल्स से मिलकर बनती है, आप किसी को छोड़ नहीं सकते ठीक है. तो इसमें हर एक अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है ठीक है. तो मेन ये चीज़ है कि उस लेट से जिसमें आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने के अंदर आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप यानी स्टार्ट कहाँ से लें, तो रिसोर्सेज से स्टार्ट लेंगे. अब उसमें आप जो है इन्वेस्ट कितना करें तो अफोर्डेबल लॉस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. अब उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि एक रिसोर्सेज से जो पॉसिबिलिटीज आपको सामने आ रही, जो आइडियाज आपको नजर आ रहे हैं, किस आइडिया को लेकर स्टार्ट लेना है, दो तो तीन आइडियाज आपको नजर आ रहे हैं तो किसी एक आइडिया में बंद भी ना हो, लेमोनेट प्रिंसिपल. इसके साथ साथ आप ये जो इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे आपने कोलैबोरेटिव रहना है ठीक है. इस तरह आपने जो टास्क एट हैंड है, जो आपके सामने अभी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना है, तो ये पांचों के पांचों अपनी जगह उनकी अहमियत है और फिर उनकी अहमियत जो है एक दूसरे के साथ मिलके है, एज अ होल है ठीक है. तो हर एक अपनी जगह इम्पोर्टेंट है. जी कोई और अगर कोई क्वेरी हो आपके जहन में. और सॉरी जी मैं दो मरतबा बीच में सेशन के अंदर जो है एक मरतबा चार्जिंग के लिए और एक मरतबा जो है वो बाहर जाना पड़ा, सॉरी फॉर दैट. जी लुकमान अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क. And the other question is, what is the difference between a risk taker and a calculated risk taker? Risk taker and? Calculated risk taker. जी अगर आप मतलब risk taker तो और calculated risk taker तो ये discussion हमारी आ जाएगी जब हम affordable loss principle को detail में discuss करेंगे ठीक है. तो मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लें तो क्योंकि हमने अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस करना है उसमें रिस्क टेकिंग सारा चीज आ जाएगी. पहला क्वेश्चन आपने किया कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क है ठीक है, बहुत बड़ा फर्क है ठीक है. तो जो अनसर्टेनिटी और रिस्क का जो क्या नाम है ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने आगे हमारा एक पूरा का पूरा ट्रेनिंग का जो सेशन है वो इसके ऊपर है ठीक है. तो बेसिकली अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है ना कि आप आपके सामने यानी यू आर अनसर्टेन अबाउट योर फ्यूचर, आपको पता नहीं है कल क्या होगा ठीक है. तो उसके अंदर यानी दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. और रिस्क ये होता है कि आप अब इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, यानी आपकी अनसर्टेनिटी दूर हो गई है, आपके सामने दो तीन वेंचर्स हैं ठीक है, और उसमें से किसी में आपने इन्वेस्ट करना है, रिस्क लेना है ठीक है. तो वो एक टोटली डिफरेंट चीज है. होता ये है कि सबसे पहले आप अनसर्टेनिटी फेस करते हैं ठीक है. जिस तरह एक नॉविस एंटरप्रेन्योर है वो शुरू कर रहा है, उसने अपनी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया, अब एक्सप्लोर करने के साथ ऐसा ऐसा उसके सामने चीजें खुलती जा रही हैं, उसको ये अंदाजा हो रहा है कि यार मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, फिर उन रिसोर्सेज के ऊपर थोड़ा बहुत सोचता है तो उसको कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं, कुछ थोड़ा बहुत मतलब एक इनसाइट बिल्ड होना शुरू होती है, यानी उसकी अनसर्टेनिटी कम होना शुरू हो रही है, उसकी जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो खत्म हो रही है ठीक है. तो बेसिकली हमारा अनसर्टेनिटी के ऊपर पूरा सेशन है कि अनसर्टेनिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे ठीक है. और अगर आप अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हो तो तब आप कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे, और अगर आप रिस्क फेस कर रहे हो तो उस सूरत में आप कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे ठीक है. तो ये हमारी एक पूरा का पूरा सेशन आएगा आगे जिसमें हम अनसर्टेनिटी और रिस्क पे बात करेंगे. तो मैं इंशाल्लाह उसमें डिटेल में उसमें आ जाएंगे हम उसके ऊपर ठीक है. नॉर्मली ये है कि मैं आपको उसका खुलासा ही बताता हूँ कि इफ यू आर फेसिंग अनसर्टेनिटी देन यूज इफेक्चुएशन, और इफ यू आर फेसिंग रिस्क देन यूज कॉजल मॉडल.
खुलासा है, उसमें मैं आपको कुछ आर्टिकल्स हैं डिटेल में वो भी दे दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, और आपका क्वेश्चन भी बड़ा वैल्यूबल है, लेकिन डिटेल में ये वहां पर इंशाल्लाह आगे डिस्कस हो जाएगा। जी और किसी के जहन में और कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सही है जी, आई होप के जो आज हमने थोड़ा सा इफेक्चुएशन को थोड़ा उसके उस वो हमारे लिए एक आप ये समझ लें कि उसको उसके साथ मानूसियत के लिए हमारा सेशन था कि इफेक्चुएशन जो है वो हमारे लिए मिस्ट्री ना रहे, थोड़ा वो जो उसके करीब हम आ जाएं। हमारे जो अपकमिंग सेशंस हैं, जिस तरह कल का हमारा जो सेशन होगा वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है द बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, उस पर हमारी डिटेल डिस्कशन होगी, ठीक है। इसके बाद फिर जो परसों का सेशन है वो अफोर्डेबल लॉस के ऊपर होगा। थर्ड सेशन जो है फिर उसके बाद जो नेक्स्ट यानी उसके दिन के बाद जो है वो फिर लेमिनेट प्रिंसिपल पे है, फिर पैचवर्क क्विल्ट के ऊपर है, फिर पायलट इन द प्लेन के ऊपर है। इससे पहले हमने असल में जो ट्रेनिंग आपकी डिजाइन की थी उसमें इन पांचों प्रिंसिपल्स के ऊपर एक ही सेशन था, लेकिन थोड़ा बहुत हमने जब शुरू में आपसे डेटा लिया तो उसमें अंदाजा हुआ कि अगर इतनी तेजी से हम गुजर जाएंगे तो शायद बहुत लोग तो ये है कि उनको शायद समझ में आ जाए, लेकिन अक्सर लोगों को शायद कॉन्सेप्ट्स को समझने में इतनी मतलब मुश्किल उनको हो जाएगी। तो इसलिए फिर हमने डिटेल के अंदर जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको यानी उसके लिए अलग सेशंस रखे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर भी करूँगा स्केजुअल। और इंशाल्लाह जब ये हमारे सेशन ख़त्म होंगे तो कुछ इंशाल्लाह टास्क हैं वो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए, तो वो आपको हम टास्क दे देंगे और उन टास्क की बेसिस के ऊपर फिर हमारे जो अगले इंटरेक्टिव सेशन हैं उसकी बेसिस के ऊपर होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने अपना कीमती जो वक्त निकाला, और एक हमारा यानी हम शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को और अपनी लर्निंग्स को, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो नेक्स्ट प्लान है वो इंशाल्लाह डिटेल्स हैं आपसे शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलामुअलैकुम।